नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। ओलंपिक खिलाड़ियों के साथ पीएम मोदी ने की चाय पर चर्चा, यूट्यूब पर अपलोड किया खास वीडियो। संसदीय समिति ने पूर्वी लद्दाख में चीन के सामने डटे जवानों की जरूरत और मुश्किलों पर की बात। साल 2027 में भारत को मिल सकती है पहली महिला सीजीआई, एससी कॉलेजियम ने भेजी 9 नामों की सिफारिश। महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा जो तोड़े जाने की घटना पर पाकिस्तान को भारत ने फटकारा। सीरम ने वैक्सीन की शीशी बनाने वाली कंपनी स्कॉट काइशा में खरीदी 50% हिस्सेदारी। तालिबान ने हजारा नेता अब्दुल अली मजारी की प्रतिमा तोड़ी, 1995 में की थी हत्या। अफगान उपराष्ट्रपति ने कहा, किसी भी परिस्थिति में तालिबान के सामने कहीं भी नहीं झुकूंगा। अफगान पर तालिबान के कब्जे के बाद बोले ईरान के राष्ट्रपति, अफगानिस्तान को स्थिर करने का करेंगे प्रयास। जर्मन राष्ट्रपति ने अफगान संकट को बताया पश्चिम के लिए शर्मनाक, त्रासदी के लिए सभी को ठहराया जिम्मेदार। म्यांमार पर आसियान के विचारों का स्वागत करता है भारत, त्रिमूर्ति। यूपी भाजपा विधानमंडल दल की बैठक में निर्देश, वोटिंग पर टिकट की दावेदारी न दिखाएं कार्यकर्ता। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का तंज, निद्रा नहीं चिंतन में लीन थे माननीय, आक्रोशित जनता का कैसे करे सम्मान। केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का कांग्रेस पर हमला, बोले कोरोना काल में रायबरेली से दूर रही सोनिया गांधी। मेरठ के भाजपा जिलाध्यक्ष के काफिले में उमड़ी भीड़, बोले बीजेपी ज्यादा मतों से जीतेगा चुनाव। मछुआरों को ऐसी श्रेणी में मिले आरक्षण, निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने खून से पीएम को लिखी चिट्ठी। T20 विश्व कप से पहले अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा ऐलान, श्रीलंका के पूर्व क्रिकेट अविष्कत गुंताल की तो टीम का बनाया गया बल्लेबाजी का कोच। 2007 की T20 चैंपियन भारतीय टीम विश्व कप की 24 अक्टूबर से होगी शुरुआत, टीम का पहला मुकाबला ही चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। रावलकोट हॉक्स ने कश्मीर प्रीमियर लीग का खिताब जीता, शाहिद अफरीदी की कप्तानी वाली टीम ने फाइनल में मुजफ्फरबाद टाइगर्स को 7 रन से हराया। कोहली की कप्तानी में एक और करिश्मा, दुनिया में सबसे अधिक टेस्ट जीतने वाला देश बना भारत। यूएई के स्टेडियम में हो सकती है दर्शकों की वापसी, बीसीसीआई और अमीरात क्रिकेट बोर्ड ने इस बार बना रहा है तगड़ा प्लान। अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली ने शुरू की एक और संस्था, अब लड़ेंगी महिलाओं की कानूनी लड़ाई। प्रियंका चोपड़ा जोन्स बनी मामी फिल्म फेस्टिवल की चेयरपर्सन, दीपिका पादुकोण को किया गया रिप्लेस। वायरल हुआ रानू मंडल का वीडियो, सहदेव के गाने को गाती आई नजर, सोशल मीडिया पर मची धूम। लिएंडर पेस और महेश भूपति का बेड, वेब सीरीज ब्रेक पॉइंट की शूटिंग खत्म, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म जी पर रिलीज होगी ये वेब सीरीज।
डायरेक्टर आर बाल्की की अपकमिंग फिल्म में अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ की हुई एंट्री। कैटरीना इस फिल्म में लीड रोल में आएंगी नजर। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और अधिक खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।